लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रात को मेरे छोटे भाई का फोन आया था। कृष्णा को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला है। ये बात मैंने उसे बताई कि कृष्णा की पढ़ाई पूरी होते ही उसे भी अमेरिका ले जाएगा। कृष्णा को विदेश जाने की जरा सी भी रुचि नहीं है। पिता के कहने पर ही उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। उसका कहना है कि पढ़ाई करने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है। सावित्री, मेरी शर्ट कहाँ है? वही अलमारी में है, जरा देख लीजिए ना। अरे पर्स कहाँ है? पर्स भी टेबल पर पड़ा है, ले लीजिए ना। उन्हें क्या चाहिए, एक बार में ही दे दो, वरना वो बार बार आवाज लगाएंगे। सुनिए जी, पर्स टेबल पर पड़ा है, मिला क्या? हाँ मिल गया, और क्या है? अरे रज्जो, रज्जो! वो अभी तक नहीं उठी है, उसे जगा दीजिए। ठीक है, जाने दो। ए गणेश, सूरज सर पे चढ़ चुका है, अभी तक सो रहा है, चलो। 10 मिनट और मालिक, उठता हूँ ना। कृष्णा भी संगीत सम्मेलन खत्म होने के बाद तेरे साथ ही आया था ना, वो सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके बच्चों को संगीत सिखाने चला गया और तू कुंभकर्ण की तरह सो रहा है। ए, चलो उठ, चलो उठ और नहा धोकर मंदिर जा जा। हाँ मालिक, ये भगवान, अभी 10 मिनट में तैयार होता हूँ। नींद का भुक्कड़। सुनिए, हाँ, जाते समय कृष्णा से जरूर मिलते जाना। अरे ये भी कोई कहने की बात है। क्यों बेटा भास्कर, मृदंग का अभ्यास हो गया? हो गया मास्टर जी। क्या बात है मास्टर जी। अरे आओ श्रीनिवास। कृष्णा रात को 2:30 बजे आया क्या? क्यों, उससे तुम्हें क्या तकलीफ हुई? तकलीफ नहीं भाई, बल्कि बहुत खुशी हुई। रात को आने के बाद भी उसने अपने कमरे में मृदंग का अभ्यास आरंभ किया तो हमारी बेटी ने उठकर कमरे की बत्ती जला दी। अरे अकल के अंधे, प्यार मोहब्बत में ऐसा ही होता है। देखो मैं तो चाहता हूँ कि इन दोनों की शादी जल्द से जल्द हो जाए। से बहुत कुछ कहना है। कहो ना, किसने रोका है? उस कृष्णा से नहीं, इस कृष्णा से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणाय नमो नमः, ओम रिंग क्लिंग कृष्णाय गोविंदा गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। अगर तुम पढ़ने के लिए बाहर चले जाओगे तो बच्चों को मृदंग कौन सिखाएगा? मेरे पिताजी सिखाएंगे, मुझे भी तो उन्होंने ही सिखाया है। पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना जरूरी है क्या? यहाँ कॉलेज नहीं है? कॉलेज तो यहाँ पर भी है, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ नहीं है, ये तो तुम भी जानते हो। इंजीनियरिंग की पढ़ाई क्यों करना चाहते हो? मेरे पिताजी की इच्छा है कि मैं इस गांव का बहुत बड़ा इंजीनियर बनूं। हाँ, इसलिए मैं पापा जी से कहो खुद जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें। अरे अरे सुनो तो, बड़े आए इंजीनियर बनने वाले, इंजीनियर की पोस्ट मुझसे बड़ी है क्या? मैम साहब, नमस्ते मैम साहब। आप इंजीनियर साहब के घर वाली हो ना? मैम साहब, वो मैम साहब, साहब से हमें एक छोटा सा काम था, आप जरा मेरी सिफारिश कर दें तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। बेटा जरा देखो तो जी। अरे जल्दी ले आओ ना। हेलो, हाय श्री, गुड मॉर्निंग। नाश्ता हो गया? भैया नाश्ता कर रहे हैं, 7 डोसा खा चुके हैं, अब 8वां ले रहे हैं। उसे कहने दो, तुम खाओ ना बेटा। पापा, स्कूल सोसाइटी फाइल मत भूलिएगा, ऐसा श्रीनिवास जी कह रहे हैं। चलो मुझे याद है। ए चमची, चल फोन इधर ला।
मम्मी प्लेट मत हटाना, मुझे और खाना है। अरे खाने दो बेटे को। हाय श्री, मुझे कॉलेज जाने में देर हो रही है। अरे उसे जो चाहिए दे दो, उसे कॉलेज के लिए देर हो रही है। बाद में फोन करता हूँ। चलती हूँ माँ। श्री जरा रुकना। क्या है माँ? टिफिन ले ले। ठीक है माँ, बाय बाय। तुम्हारा मुंह क्यों लटका रहता है? क्या है तुम्हारी रामायण? ए, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, पूरे गांव में तुम ही एक राम के अवतार हो और घर में घुसते ही तुम रावण बन जाते हो, तुम ऐसा करते ही क्यों हो? सारी अच्छी बातें तो फोन करके आपको बता दी थी ना। वो हमसे नहीं कहेगी तो और किससे कहेगी बताओ? बेचारी आंटी फोन पर बहुत रो रही थी। ठीक है तुम्हें कॉलेज के लिए देर हो रही है, तुम जाओ। ये लो भाभी, आ जाओ। नाश्ते में क्या बना है? भूख से हाल बेहाल है मेरा। बाप रे, इस जन्म में इसका उद्धार नहीं हो सकता। ए, तू अपना चेहरा ऐसे लटका के क्यों बैठी है? मैंने ऐसा जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। पंचर वाली बात को फैमिली मैटर के साथ मिक्स मत करो। ए, कितनी बार समझाया तुझे? दीदी आ गई। ए, घर वाले आ रहे। क्या जीजू, कितनी देर कर दी, पैदल आते तब भी आप इससे पहले पहुंच जाते। अरे मेरी गुड़िया, मैं गुड़िया को देखने के लिए कब से तरस रहा था। क्या बताऊं साले साहब, ट्रैफिक की वजह से पूरा रास्ता जाम था। तुमने सही कहा था, गाड़ियां बहुत बढ़ गई हैं। मामा, डैडी की गाड़ी रास्ते में पंचर हो गई थी। इसीलिए मुझे आप पे गुस्सा आता है। कितनी बार कहा इस खटारे को बेचकर एक दूसरी गाड़ी ले लीजिए, सुनते ही कहाँ है आप। ए, नई गाड़ी लेते समय नहीं होती है, बाद में वो भी सेकंड हैंड हो जाती है। लेकिन तुम्हारे खटारे की तरह बीच में रुक तो नहीं जाएगी ना? हंसो मत साले साहब, तुम्हारी शादी होगी ना, सब पता चलेगा शादी का लड्डू क्या होता है। आओ बेटी, आओ देखते हैं नानी ने क्या बनाया है। आओ दीदी, चलो चलो। ऐसा कुछ नहीं है। क्या बात है, घर में कोई है कि नहीं है? कौन है? नमस्ते। ओ भाई साहब, नमस्ते, आइए ना बैठिए। बड़ी दीदी। हाय श्री, जरा देखूं क्या है इसमें। ओह, ये सब कृष्णा के लिए है ना? अगर कृष्णा को देकर कुछ बचेगा तो ही आपको मिलेगा। लाइए लाइए लाइए। ए श्री, अरे बहुत प्यार है दोनों में। वैसे भाई साहब कहाँ है? वो बाहर गए हैं, कुछ ही देर में आ जाएंगे, आप बैठिए ना। आओ ना सरोजा। नमस्ते। नमस्ते। अरे आओ बैठो बैठो। ये बताओ कैसा चल रहा है तुम्हारा धंधा पानी? कोई प्रॉब्लम नहीं। हर वक्त अच्छे से अच्छे डॉक्टर आते रहते हैं। 24 घंटे क्लिनिक में पेशेंट की भीड़ होती है, हमारे जैसे मेडिकल वालों के लिए तकलीफ की कोई बात नहीं। श्रीनिवास जी, आप कब आए? अभी अभी आया भाई साहब। अरे अरे मेरी गुड़िया, इसे अंदर रख दे बेटा। लो इसे भी अंदर रखने को कहो। क्या है ये? कृष्णा की पढ़ाई में बहुत पैसा खर्च हो रहा है, मैं जानता हूँ, इसीलिए मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा है। श्रीनिवास, बच्चे कभी भी माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं होते हैं। देखो, बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने का सौभाग्य कोई भी माँ बाप खुद के अलावा किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, उसे एक इंजीनियर बनाकर ही तुम्हारा दामाद बनाऊंगा। ठीक कहा ना दामाद जी? बिल्कुल सही कहा। ये तो एक स्वार्थी बाप का घमंड बोल रहा है। तुम इसे मेरा घमंडी समझ लो, अब चुपचाप कॉफी पियो। क्या बात है जनाब, जब से बाहर जाने का इरादा बना है तब से आपका गेटअप भी चेंज होता जा रहा है। वातावरण के हिसाब से लोगों को अपने आप में बदलाव लाना चाहिए, वरना कॉलेज में सीनियर लोग किसी गांव से आया हुआ समझकर रैगिंग करने की कोशिश करते हैं। तुम सीनियर को दिखाने के लिए अपने आप को चेंज कर रहे हो या फिर कॉलेज में रंग बिरंगी तितलियों को जाल डालने का कोई प्लान है? वही समझ लो। क्यों, तुम्हें जलन हो रही है? कहीं किसी शहर की लड़की के चक्कर में ना पड़ जाओ, इसका डर लग रहा है। मैं क्यों जलूं? मुझे मेरे कृष्णा पर पूरा भरोसा है। तुम्हारा नाम भले ही कृष्णा है, लेकिन गुणों में श्री रामचंद्र हो। अच्छा? तुम जिस लड़की से प्यार करते हो उसके लिए अपनी जान तक निछावर कर दोगे, मैं जानती हूँ। इतना भरोसा है क्या तुम्हें अपने कृष्णा पे? तो फिर इस खुशी में क्यों ना यादगार के लिए होठों की निशानी। होठों की निशानी प्यार के लिए। ये मेरे प्यार की निशानी है, तुम जहाँ भी रहोगे तुम्हें मेरी याद आती रहेगी।
शिवाजी नगर के लीवर भाई का नाम सुना है क्या? लीवर फ्राई तो सुना है, तीखा तीखा और टेस्टी होता है। मजाक करेगा तो दुनिया से जाएगा, भाई का ही नाम है लीवर भाई। अच्छा, मैं जयराज हूँ, इस कॉलेज का प्रिंसिपल। ओके मिस्टर लीवर। क्या कह रहा है बे? ये भाई का आदमी है, इसे सस्पेंड किया तूने, वापस रख इसे। सुनो लीवर, मैंने इसे बिना बात के सस्पेंड नहीं किया है, इसकी वजह है ये कॉलेज से ज्यादा तो अपना वक्त लॉकअप में बिताता है, इसकी वजह से पूरा कॉलेज बदनाम हो रहा है, इसे वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तूने उस लीवर को मना किया? सुन भाई लीवर, तेरा हार्ट खराब है क्या? उसे कंट्रोल में रखना सीख। कमिश्नर से फोन करके पूछ ले कि ये जयराज कौन है, उसके बाद किसी की सिफारिश लेके आ। सर, आप मुझे वापस रख लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो मैं आपको जिंदा रहने दूं या नहीं, मजबूरन ये फैसला करना पड़ेगा। वाह, वेरी गुड, ये है ना असली मर्द की पहचान। तुम्हारे जैसे जाबाज लोग मुझे बहुत पसंद है। मैं ऑफिस में जाकर बाकी सारे स्टाफ को बुलाकर इस पर डिस्कस करूंगा। ओके। क्या फैसला किया है सर? अरे बाप रे! मैं इस दुनिया में जिंदा रहूंगा या नहीं, इसका फैसला तू कर। तेरे जैसे 100 लोग भी चाकू और तलवार लेकर आएंगे ना, तो इस जयराज का कोई बाल नहीं बांका कर सकता। मेरे बारे में पहले बैंगलोर, गोवा और पौंडीचेरी में पता लगा, सब जगह दबदबा रहा है मेरा, और तू मुझे धमकी दे रहा है। दोबारा कभी कॉलेज के कंपाउंड में नजर आया ना, काट के फेंक दूंगा तुझे, समझा? बाहर निकाला इसे। हे मेरे प्यारे प्रभु, आप बहुत दयालु हैं, ऐसे पापियों को आप अक्सर माफ कर देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। रास्ते में पड़े हुए कांटे को अगर ऐसे ही छोड़ दें तो वो सबको चुपता रहेगा, इसीलिए कांटे को कांटे से निकालने का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए ऐसे लोगों को सजा देता हूँ। मुझ पे अपनी कृपा रखना प्रभु। देखा क्या भेड़ो, अपने कैंपस का रोमिया। अरे यार, अगली लड़की के दर्शन कब कराओगे? लड़की के बाप का फोन आया था। लड़की घर पहुंच गई है, कुछ देर में यहाँ आने वाली है। क्या बात है यार, बड़े खुश हो, कोई नया चांद मिल गया है क्या? अरे छोड़ यार, आइटम तगड़ी होगी। छोड़ा, इसके जैसे कई मिल जाएंगी यार तुझको। बाइक पे जाने वाली लड़कियाँ प्यार के चक्कर में नहीं पड़ती है, इस बारे में तुझे बहुत कम समझा समझा। हाय सुधीर। हाय, देख लिया ना, ये सब कुछ गिव एंड टेक पॉलिसी है। थैंक्स जीजू, मैं चलता हूँ, आप जाइए। ऑल द बेस्ट साले साहब। थैंक यू। सॉरी सॉरी, देखा नहीं था। अबे सॉरी के बच्चे, लफड़ा नहीं चाहिए, मैं देख लूंगा, छोड़ उसे। क्यों बे, नया एडमिशन है क्या? हाँ। नाम क्या है तेरा? कृष्णा, कृष्णा कुमार। ए, छोड़ना उसे, जाने दे। निकल यहाँ से। हेलो अंकल। हेलो सुधीर। अपने फ्रेंड से आपको मिलाता हूँ, संदीप, प्रमोद, प्रताप, संजय। हाय सुहाना। हाय। ये सारे चेहरे जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं मुझे? माँ कसम सर, पुलिस स्टेशन के सामने से तो हम सपने में भी नहीं गुजरते सर। अच्छा, देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा है, पूरी गैंग एक जैसी लग रही है। आज से मेरी बेटी कॉलेज आ रही है और तुम इसके बॉडीगार्ड रहोगे। अच्छा सुनो, जरा इधर आओ, ये क्या तरीका है? तुम्हारे भाई लोग जब देखो जबान के साथ गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। वो पेटी मेरे पास अब तक क्यों नहीं पहुंची सुधीर? पता है ना वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए मैंने कितनी तकलीफ उठाई है? मेरा दिमाग खराब हो गया तो मुझसे मत कहना, उसके बाद अंजाम तुम जानो। चल भाई को फोन लगा। यस अंकल।
और हाँ, घर में पीने का सारा सामान खत्म हो गया है, एक कैरेट भिजवा दो। हेलो मैडम, आपके कपड़े पर सांबर का छींटा गिरा है ना, उसे साफ कर दो। बुरा मत मानना। डेढ़ फुट का आधे छह फुट की आवाज आ गया, हमेशा गलत टाइम पे। आप मालिक आप कुछ कह रहे थे? अबे सांड की औलाद, मेरे आने में जरा भी देर हो जाती तो तू पता नहीं क्या अनर्थ कर देता। तो इसको क्या करने जा रहा था? ये बाबा फिर उधर जा रहा है, फिर उधर जा रहा है। सांड की औलाद, मैं देखता हूँ, मैं साफ कर देता हूँ। अंकल, ओह सॉरी गर्ल्स, ये एम्ब्रॉयडरी डिजाइन है, इसलिए इसको छू कर दिखा रहा था, समझ गई? डोंट वरी, कैरी ऑन। जान साफ से निकल गया। आ जाओ। बाप रे कितने भारी आप। अच्छा बॉस, दूसरे की थाली में छेद क्यों करने जा रहे हैं? अबे ये मेरा कसूर नहीं है, ये मेरे कूलिंग ग्लास का कसूर है। ए चल निकाल इसे, निकाल, अरे निकाल। ओके बॉस, ओके बॉस। लड़के मक्खन की तरह है, बस सही याद मारा करो। हाय हाय हाय। ए तो फुल चाय ला। लाता हूं। हाय छोटो, तुम लोग बड़ों से इज्जत से बात करना कब सीखोगे? इज्जत दोगे तभी इज्जत मिलेगी। पहले ये बता, अपना उधार कब चुकाएगा? टोटल करके रख ले, एक साथ चुका दूंगा। आखिर वो दिन कब आएगा? खून करने वाले की गर्दन भी तलवार के नीचे आती है, जो पैदा होता है वो एक दिन मरता भी है। आखिर मेरा धंधा कैसे चलेगा भाई, कर्जे से थोड़े ही चलता है। आज के बाद मैंने पक्का फैमिली मैन बनने का फैसला कर लिया है। फालतू बकवास। अरे मुझे भी तो एक दिन फैमिली मैन बनना ही है। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। ओके, नमस्ते, नमस्ते, आप सबों को नमस्ते। आई एम राधेश्याम। मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था किसी बड़े घर की लड़की को पटा सकूं ये सोचकर। अब भी मौका है, तुम में से कोई भी पढ़ सकती है, कौन तैयार है? नमस्ते, मेरा नाम है कृष्णा, कृष्णा कुमार। मेरा गांव शुद्ध वातावरण वाला तीर्थ स्थान है। वहां के नदी तालाब झरने जंगल पहाड़ सब सुखद जिंदगी का एहसास करवाते हैं। मैं प्रकृति से बहुत प्यार करता हूं और मेरा शौक है संगीत। संगीत? व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक? शास्त्रीय संगीत सर, डिवाइन म्यूजिक। मैं खाली समय में संगीत सीखने का हर संभव प्रयास करता हूं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? मृदंग। मैंने अपने पिताजी से सीखा है, अब गांव के बच्चों को भी सिखाता हूँ। अच्छा, तो संगीत से पेट नहीं भर रहा था इसीलिए कॉलेज में एडमिशन लिया क्या? ऐसा नहीं है, संगीत मेरी जिंदगी नहीं है, संसार में सीखने के लिए हर किसी को और भी बहुत कुछ है, इसलिए मैं। मृदंग किस तरह से बजाते हैं आप जरा बताएंगे? उसे बजाया नहीं, साधना की जाती है। और फिर मैं यहाँ कैसे बजाऊं? तुम्हारे सामने ये टेबल स्टैंड है ना, तो फिर सोच क्या रहे हो, शुरू हो जाओ। इतिहास ने यह साबित किया है, पत्थर से बनी हुई मूर्ति से भी संगीत बहता है, तो शुरू हो जाओ। कृष्णा, इसके लिए ताली बजा रही है बॉस। अगर आप उनका काम नहीं हुआ ना तो एक एक को मैं। सर आ गए। नमस्ते सर। हाँ हाँ गिरीश। नमस्ते साहब। आइए ना, अंदर है, बैठिए ना।
नमस्ते। नमस्कार, बैठो। मालिनी, दो चाय लेकर आओ। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, पार्टी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। एक एमएलए होने के नाते मैं जो कुछ कर सकता था और जहां तक दबाव डाल सकता था वो सब कुछ कर दिया। कुछ भी करो फर्क ही नहीं पड़ता। तो क्या भिखारी की औलाद या भीख मांग गया है? सबको उठाकर गोदाम में ले जाकर आग लगा दूंगा। अब हमारे सामने एक ही रास्ता बचा है। करोड़ों रुपए खर्च करके मैंने इतनी बड़ी इमारत खड़ी की और एक छोटा सा दुकान वाला हमें बंदर की तरह नचा रहा है। चाय लीजिए। एक करोड़ रुपए लूंगा, उसके बाद ये जगह खाली करके दूंगा, ऐसे जिद कर रहा है वो। गिरी। हाँ भाई। सूर्य से कहो शाम को आकर मुझसे मिले। ये हरामखोर लोग हैं। जीजू, ये हमारे कॉलेज में सीनियर हैं। ये पूरी फैमिली गुंडों की है। हाँ। हरामखोर लोग। सबसे छोटा ये सुंदर, सबसे बड़ा है महेंद्र बिल्डर। हाँ। मझला है गिरी। हाँ। ये खतरनाक लैंड माफिया है, तुम इन लोगों से संभल कर रहना। हाँ। किसी भी वक्त क्या हो जाएगा पता नहीं। साले साहब। हाँ। गलती से भी लोगों से टकराना मत। हाँ ठीक है जीजू, समझ गए ना। परसों कृष्णा ने टेबल बजाकर लड़कियों से तालियां ली थी ना, इसलिए हमारा बीड़ू उसका जवाब देने के लिए ये तैयारी कर रहा है। अपना बीड़ू भी तो तालियों की गड़गड़ाहट सुनना चाहता है। तो तुम्हें क्या लगता है वो तालियां बजाएगी? कृष्णा, हाय। उस दिन टेबल पे तुमने मृदंग कितनी अच्छी तरह से बजाया था। फैंटास्टिक, एक्सीलेंट। ये क्या चल रहा है? टैलेंट एग्जीबिशन। वो ये बजाकर साबित करना चाहता है कि वो कितना महान है। सिर्फ दिखावा कर रहा है। ये भी एक तरह का रैगिंग ही है। थैंक्स, तुम्हारे आने से हमारी तो जान छूट गई। देख लिया ना? देखा ना, ये है असली टैलेंट। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर डब्बा बजाकर भीख मांगने वालों की तरह टेबल बजाकर लड़कियों को लुभाएगा नहीं। देखा ना, ये है असली म्यूजिशियन। क्लासरूम में टेबल बजाकर लड़कियों से ताली बजवाकर तू अपने आप को कॉलेज का हीरो समझता है क्या? तू अगर सच्चा मर्द है Come on, दिखाओ अपने टैलेंट को। इन सब स्टूडेंट्स के सामने तू ये साबित कर कि तू सच्चा मर्द है। भाई साहब, वो मैं क्या हुआ? क्या हुआ बोलना? डर गया क्या? तू मर्द नहीं है क्या? सच में तू मर्द नहीं है? अरे देखो, ये मर्द नहीं है। This is too much, हाँ? उसने सीखा है शास्त्रीय संगीत, वेस्टर्न म्यूजिक क्या पता उसे? Thank you. Guru, Guru, Guru.
वाह क्या बात है गुरु, क्या परफॉर्मेंस किया है गुरु। अगर तुझे अच्छा प्रोड्यूसर मिल जाए तो बहुत बढ़िया एल्बम बना सकता है। हाय, अब कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। माइंड ब्लोइंग, वी रियली एंजॉयड इट। थैंक्स। अब तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा, हम सब की तरफ से तुम्हारे लिए छोटी सी ट्रीट है। ट्रीट? इसकी कोई जरूरत नहीं। किस लिए? मतलब खुशी के लिए, हम कैंटीन में सेलिब्रेट करेंगे, चलो। लेकिन अरे वो... चलना यार, इतना शर्मा क्यों रहा है? लड़की इतने प्यार से इनवाइट कर रही है तो चलते हैं ना यार, कुछ नहीं तो आधी आधी चाय पियेंगे। चलना। अच्छा। चलो चलो चलो, चलो। तुम मुझे सर के क्यों बुलाती हो? प्यार से राजा के नहीं बुला सकती हो क्या? अच्छा क्या चाहिए तुम्हें? One fresh juice. इधर ला। हमारे पास फ्रेश जूस नहीं है, ये चलेगा क्या? संभल के, ये बहुत ठंडा है, थोड़ा गरम करके पीना, नहीं तो जुकाम हो जाएगा। ये भी चांस लेना है ना। अबे गंडे, जब दिख तक कमा में हड्डी बनता है। बहुत अच्छा जवाब दिया तुमने। थैंक यू। वन मिनट। सुधीर, हम कैंटीन जा रहे हैं, तुम भी वहीं आ जाओ। क्या गुरु, जो संगीत जानता है उसके पीछे कितनी लड़कियां पड़ती हैं। मैं भी अपने बाप से बोलकर संगीत क्लास ज्वाइन कर लेता हूँ। स्टॉप 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 स्टॉप। तुम्हारी नजर उतार रही हूँ, तुम्हें किसी की नजर ना लगे, इसीलिए पैसा दान पेटी में डाल दूंगी। ये बहुत गंभीर बात है गुरु, इसके बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ओके, कम। चेहरे पर कॉइन घुमा रही थी तब उसके दिल में क्या चल रहा था ये जानते हो तुम? नहीं। I love you. इसे भगवान की दान पेटी में डाल दूंगी। अब भी कुछ समझे? लोग कहते हैं कि बुरी नजर से तुम्हें बचाए, इसका मतलब है कि मेरी नजर से तुम कभी भी दूर मत जाओ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। क्यों, कुछ देर और नहीं बैठ सकते क्या? नहीं, मुझे लाइब्रेरी भी जाना है। हाँ, लाइब्रेरी में बहुत शांति होती है, चलें। हाँ, हाँ, आप सोने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। इस कॉइन को मैं ही रख लेती हूँ। क्यों, दान पेटी में नहीं डालोगी? नजर उतारने के लिए या फिर यादों को ताजा रखने के लिए। अच्छा तो तुम कॉलेज में हीरो बन गए हो। ए, ऐसा क्या हुआ वहाँ पर? खुलकर तो बताओ मुझे। वो यहाँ के सभी लोग यही समझ बैठे थे कि मैं सिर्फ शास्त्रीय संगीत ही सिखाऊं। तुम मल्टी टैलेंटेड हो, जब सबको ये पता चला होगा तो उन्हें शौक लगा होगा। वैसे कई लड़कियाँ तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ी होंगी आई लव यू कहने के लिए। अरे तुमने सही कहा, मीरा नाम की एक लड़की मेरे पीछे पड़ी है। कहीं तुम उसके साथ ऐसा वैसा तो नहीं करोगे ना? अरे ऐसा ऐसा करने में बुराई क्या है? थैंक्स श्री, तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। मतलब मुझसे पीछा छुड़ाना है? मीरा तो मुरली की दीवानी थी ना। ठीक है तो उसी से शादी कर लो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ए, ए, मैंने कहा वो मुझसे प्यार करती है, मैं उससे शादी करूंगा ये तो नहीं कहा। श्री अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। ए, श्री के दीवाने, जल्दी से जाकर स्नान कर लो, बाथरूम अभी खाली है, समझे? श्री मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके बाय। ए! अंदर क्या जा रहा है तू? हर जगह सीनियर पहले जाता है, अगर सीनियर नहीं गया तो जूनियर मुर्गा बन जाता है। चल साइड हो। इस समय किसका फोन होगा यार? हेलो, कौन है? कृष्णा, ठीक है। ए, तेरे लिए फोन आया है। मेरे लिए? कृष्णा कुमार तो ही है ना, इधर आ। ले पकड़। थैंक्स। कॉलेज आए 15 दिन भी नहीं हुए, लड़कियों के फोन आने शुरू हो गए। हेलो।
हेलो कृष्णा को जिसने फोन किया है पक्का वो सुहाना ही होगी। कैंटीन में पार्टी देने के बहाने वो जिस तरह से चिपक रही थी तभी मैं समझ गया था। मुझे पूरा विश्वास है वो तुम्हें अंगूठा दिखाने वाली है। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो तुरंत चेक करो, वो इस समय उससे बात कर रही होगी। बाद में फोन करता हूँ। भाभी सुहाना कहाँ है? वो यहीं पर तो थी। क्या हुआ छोटे? कुछ नहीं। सुनिए आंटी, सुहाना अभी यहीं थी ना? अरे अभी अभी तो यहीं थी। अच्छा क्या बात है? कुछ नहीं। उसके बाद हम क्या बात? हमारी बेटी को ढूंढ रहा था। अच्छा सुनो, हाँ ये अपनी बेटी और सुधीर की जोड़ी कैसी रहेगी? मीट फॉर ईच अदर। सच में छोटे किसे ढूंढ रहे हो भाई? सुहाना। सुहाना को है कहाँ? वो तो अभी अभी टेरेस पर गई है। डेढ़ घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, लेट आओगे ये तो फोन कर देते। अरे चौराहे पर ट्रैफिक जाम था भाई, हमारे खानदान में कोई जुबान से नहीं फिरता और मैं भी अपने खानदान के नाम पे बट्टा लगाने वाला नहीं हूँ और ऐसे मामले में तो सवाल ही नहीं उठता। चलिए मान गया, बैठिए। आप लोग क्या लेंगे, चाय या कॉफी? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, अभी हम लोग घर से पीकर ही आ रहे हैं। सुनो, अरे हम लोग शिवराम के घर में पहली बार साथ में आए हैं इसलिए कॉफी तो पीनी ही पड़ेगी। ये हुई ना बात, चलो जल्दी से बना के लाओ। साहब एक मिनट, एक मिनट। आया हाँ जाओ। तुझे जरा भी अकल नहीं है क्या, सबके सामने खुलम खुला लेके आ रहा है, सब ठीक है? सुहाना हाँ? ए शिवराम, 5-10 लाख खर्च करने के लिए तुम तैयार हो ना? उससे ज्यादा खर्च कर दूंगा, चला जा पहले जरा माल अंदर रखते हैं। खर्च? वो किस लिए अंकल? इस दुनिया में पलक झपकते ही लड़कियां जवान हो जाती हैं, इसलिए उनके बारे में सोचना ही पड़ता है बेटा। हमारे ही पीछे क्यों पड़े रहते हैं अंकल, जिसे देखो आजकल मेरी शादी की ही बातें करता रहता है। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अरे नहीं अंकल, शादी में तभी करूँगी जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, मुझे अपना कोर्स पूरा करना है। शादी के बंधन में बन जाने के बाद अपने परिवार के लिए भी तो टाइम निकालना पड़ता है ना? उसके बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है बेटा, मेरा भाई बहुत अच्छा लड़का है, क्योंकि मुझे इस पर न अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है। तुम्हें सिर्फ हाँ कहने की देर है, कोर्स कंप्लीट होते ही तुम्हारे हाथ पीले करके ले जाऊंगा। नहीं अंकल मैं एक्चुअली। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, तुझे ये लड़का पसंद नहीं है क्या? अरे अंकल जरा रुको तो, इजाजत जरूरी है, इसके दिल में क्या है ये जानना जरूरी है। तुम्हें ये ना नहीं करेगी लेकिन इसकी राय जानना जरूरी है, क्यों है ना बेटा? तुम बहुत भाग्यशाली हो बेटा, तुम एक ऊंचे नामी गिरामी घर की बहू बनने वाली हो। बातें चलती रहेगी, पहले चाय तो पीजिए। डैडी आप एक मिनट यहाँ आइए। शादी की जरूरत किसे है? हमारी तो हो गई है बेटा, अब तो उसकी जरूरत हमारी बेटी को है। तो फिर इसका फैसला किसे करना चाहिए? देखो बेटा सही बात कहूँ तो ये हम माँ बाप का फर्ज है, माँ बाप होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे खानदान की तुम इकलौती बेटी हो, तुम दोनों की दोस्ती देखते देखते हमें भागे इसलिए हमने फैसला। देखते देखते प्यार हो जाता है क्या? ऐसी बात नहीं बेटा, आजकल लड़के लड़कियों के बीच कुछ चलता ही रहता है। डैडी सुधीर बहुत अच्छा लड़का है बेटा, वो हमें बहुत पसंद आया है और जोड़ी भी अच्छी है। तुम चुप रहो, देखो बेटा वो बहुत रईस खानदान से है, देखो उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं है। हमारी बेटी की जिंदगी सुधर जाए ये हमारे लिए अच्छा है। मैं समझा रहा हूँ ना, देखो बेटा तुम्हारे कहने के मुताबिक शादी 4 साल के बाद ही होगी, लेकिन बात तो अभी तय कर ले, तुम्हारे दिल में क्या है ये बात बता दो मुझे। कह देना ये लड़का पसंद है। तुम चुप रहोगे, बताओ ना बेटा क्या इरादा है, बोलो अपने दिल की बात। आज तक मैंने कोई भी फैसला खुद के लिए नहीं किया है,
तो ये फैसला भी आप लोग ही कर दीजिए। देखा तुमने, मेरी बेटी ने हाँ कर दी। देखा मेरी प्यारी गुड़िया रानी। लेकिन मेरी एक शर्त है। तेरी सारी शर्तें मंजूर है मुझे, ओके? हाँ? कौन है इस वक्त? क्या है यार, शांति से सोने भी नहीं देते। एक गुड न्यूज देने के लिए आया हूँ, स्पेशली तेरे को। मेरे को? ए, अपना मुंह बंद रख। दो तीन महीने से तूने बहुत ज्यादा टेंशन दिया है मुझे। मैंने? इसलिए सारा का सारा काम फटाफट निपटा लिया है। तेरी क्लासमेट से मैं शादी कर रहा हूँ। वही सुहाना, शिवराम। ओह, हमारी बातचीत भी पूरी हो चुकी है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। शादी की बात तय हो गई है, उम्मीद करता हूँ तू परेशान नहीं करेगा। नहीं नहीं, मैं क्यों परेशान करूंगा। ओके, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। आज का लेक्चर तो बहुत ही बोरिंग था यार। हाँ यार, मुझे क्लास में नींद आ रही थी। मुझे भी बड़ी नींद आ रही थी। बोरिंग। सुहाना, सदा सुमंगली रहो। तो पार्टी ताज में ठीक है ना? ये सब क्या है? सारे फ्रेंड्स पार्टी के लिए जिद कर रहे थे। तुम भी अपने दोस्तों को बुला लो, जाकर आते हैं। शादी में 4 साल बाकी हैं, फिर इतनी जल्दी ये सब क्यों? ये पागलपन है। शादी होने तक इंतजार करो, मेरे क्लासेस से मैं जा रही हूँ। चलो। ओके, नो प्रॉब्लम। सहाना को पसंद नहीं है तो जाने दो, एटलीस्ट मेरे साथ लंच के लिए तो चलोगी। ओहो सॉरी सुधीर, लंच टाइम में मुझे दूसरा काम है, सॉरी। सुधीर प्लीज मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश मत करो। मैंने कल ही कहा था ना, कॉलेज में मुझे फ्रीडम चाहिए और तुम मान भी गए थे। अगर इस साल तुम फेल हो गए तो सब लोग मुझ पर ही इल्जाम लगाएंगे। प्लीज क्लास में जाओ और ध्यान से पढ़ो। बाय। The given figure represents a line AB which is parallel both horizontal plane and vertical plane. In this case, parallel to XY large and कृष्णा, मैं यहाँ नहीं बैठना चाहता। वो मुझे ही देखती रहती है, वो बहुत खतरनाक है। इसकी जैसी चालू लड़की के चक्कर में फंस गया तो मैं बड़े घर की लड़की कैसे पटा पाऊंगा यार, मेरा प्लान फेल हो जाएगा। आई डू डोंट लाइक इट। हाँ कृष्णा, कृष्णा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, सभी लोग कह रहे हैं। पागल जैसी बात मत करो, मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है और मैंने कुछ नहीं सुना। तुम कुछ भी कह लो कृष्णा, ये बात मैंने किसी से नहीं कही। तुमसे हमेशा बात करती रहूं, ऐसा मेरा दिल कह रहा है। अरे तुम पागल हो गई हो, चलो जाओ यहाँ से। कृष्णा चलो मेरे साथ, हमें कहीं जाना है। कहाँ पर? क्यों बताऊँ तुम्हें? देखो आज की बात कभी भी मेरे मामले में इंटरफेयर मत करना। चलो कृष्णा। कृष्णा, थैंक यू। थैंक्स किस लिए? मैंने तो सच ही कहा था, हम दोनों को सच में कहीं पर जाना है। कहाँ पर? चलो तो बताती हूँ। कृष्णा रुक जाओ। अरे छूट गया, भाई यार बहुत जल्दी से हमारा इस्तेमाल कर लेते हैं। अरे देर, अरे बोल दे रे, जल्दी दे, इधर आ। क्या बात है? उधर देख। कृष्णा अभी भी उसके पीछे पड़ा है। उन दोनों के बीच कोई चक्कर चल रहा है यार। वो सच में तुझे धोखा देगी, इस कृष्णा को सबक सिखाना ही होगा। शिट, आउट ऑफ रेंज। जब वो तुम्हें घास नहीं डालती है तो आउट ऑफ रेंज जैसी लड़कियों के पीछे क्यों पड़े हो? चुप। ए, तुम सब लोग यहीं पर रहो, तो चल मेरे साथ। हाँ।
बाय द वे मैं भूल ही गया था, कांग्रेचुलेशंस। तुम्हें कैसे पता? कल रात सुधीर हमारे कमरे में आकर हमें ये बता कर गया। उसने ऐसा क्यों किया मुझे समझ में नहीं आया। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। मम्मी डैडी का दिल रखने के लिए मैंने हाँ कह दिया था, क्योंकि मेरे लिए तो मेरे मम्मी डैडी ही सब कुछ हैं। ये बात भी ठीक। अभी 4 साल बाकी हैं। इस दौरान मैं ऐसा कुछ करूंगी कि मम्मी डैडी रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। I'm sure about that। फिर मैंने सोचा कि अभी से इनका दिल क्यों तोड़ूं? मैम, आप इनसे मिलिए, द ग्रेट कृष्ण कुमार। नमस्ते। नमस्ते। आप लोग बैठ जाइए, मैं 5 मिनट में आई। ये जो डांस स्टूडेंट्स है ना, ये टीवी के रियलिटी शो के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। कंपटीशन तगड़ा है, 2 दिन में 4 स्टेप सिखा दीजिए, यही कहकर सब पीछे पड़े हैं इनके। वो उसे अंदर लेकर गया यार, पता नहीं क्या करेगा। तुम अच्छा, अगर तेरी वजह से कोई लफड़ा हुआ तो तेरी शादी सचमुच में कैंसिल हो जाएगी। ऐसे बैठकर सोचता रहा ना तो कुछ नहीं होने वाला। अभी चलते हैं, कहीं चुपचाप बैठकर 2 पैक लगाएंगे ना तो कोई आइडिया भी निकल आएगा। ये तो अक्सर तुम्हारी तारीफ करती रहती है। ये तो यूं ही तारीफ करती रहती है, मैं इतना भी टैलेंटेड नहीं हूँ। तुम जितने टैलेंटेड हो मैंने उतना ही बताया था। 25th को डांस का फंक्शन है, इसे परफॉर्म करने के लिए कहा तो इसने मेरे सामने एक ही कंडीशन रखी। क्या? कृष्ण कुमार मृदंग बजाएंगे तो ही। तो क्या मैं फंक्शन में मृदंग बजाऊंगा? मैं जो परफॉर्म करने वाली हूँ वो है भरतनाट्यम। तुझे दिन में कितनी बार फोन करती है यार? पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं करती क्या? 24 घंटे तेरे बारे में ही सोचती रहती है, ये ले। मैं कल तुम्हारे पास आ रही हूँ, तुम्हें देखे बगैर मुझसे रहा नहीं जा रहा है यार, वरना मैं मर जाऊंगी। हाँ, तुम चुप क्यों हो? मैं मर जाऊँ क्या? डोंट वरी, तुम्हारे मरने से पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। कब आ रहे हो तुम? संडे। सच में? मेरे लिए क्या लेकर आओगे? स्पेशल आइटम? मैं खुद आ रहा हूँ। उसे उतना ही चाहता है क्या? अरे बाप रे, गुस्सा हो गया। शादी करेगा तू और मजा ले रहा है वो, लास्ट में तो तुझे सिर्फ जूठन मिलने वाली है। सच बोल रहा हूँ मैं, जिस लड़की की शादी तय हो चुकी है पता होने के बावजूद वो उसके साथ घूम रहा है, मतलब वही मर्द है यार, मतलब तू बिल्कुल ना मर्द है। ए, तेरी आइटम को कोई भी पटा सकता है, कभी भी पटा सकता है और मजा ले सकता है। तू उस पर गुस्सा क्यों उतार रहा है अपना? उतारना है तो उस पर उतारना। हम सब तेरे सच्चे दोस्त हैं, इसलिए उस लड़की को गलत नजर से कभी नहीं देखा, और वो उसके साथ घूम रहा है यार। वो चाहते हैं कि वो खुल्लम खुला खेल खेलते रहे, और इसलिए कॉलेज की एजुकेशन का बहाना लेके 4 साल का टाइम लिया। हाँ, समझने की कोशिश कर यार, पक्का वो दोनों मिलकर तुझे बेवकूफ बना रहे हैं। चलो जाओ। ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। बाय श्री। बाय। आज साले का तबला बजा ही देते हैं। तुम दोनों हमारे साथ टेरेस पे चलो, वहाँ हम सबकी पार्टी चल रही है। इस तरह घूर क्या रहा है बे? चल अपना तबला उठा। अरे यार, ये तबला नहीं है, मृदंग है। हाँ ठीक है, जो भी है, बजाने पर आवाज तो एक ही जैसी निकलती है। अरे नहीं प्लीज, इसकी धुन पवित्र है, इसे वैसी जगह नहीं ले जा सकते, पाप लग सकता है। अच्छा, पाप लगेगा क्या? वो कैसे पाप लगता है जरा? नहीं प्लीज, मुझे देखना है यार, पाप कैसे लगता है। ए, क्यों घूर रहा है यार, चल आना। ये लो पैक लो। सुहाना और तेरे बीच क्या रिश्ता है? सुहाना और मेरे बीच में क्या रिश्ता है? गाड़ी में तुम लोग कहाँ गए थे? इतनी देर तक उसके साथ क्या कर रहा था? गाड़ी से उतर के अंदर चले गए तो अच्छा ही हुआ, वरना गाड़ी के अंदर ही डिंग डांग शुरू हो जाता है लोगों का। किधर गया था?
किधर गया था उसके साथ? उसके डांस परफॉर्मेंस में वो चाहती है कि मैं मृदंग बजाऊं, इसलिए वो मुझे अपने साथ डांस क्लास में लेकर गई टीचर से मिलवाना। और क्या क्या बातें हैं भाई, जल्दी बता रहा। मृदंग बजाना मेरा प्रोफेशन है इसलिए। हाँ तो हमने मना किया था, फिर भी तू उसके साथ गया है? मैं उससे वादा कर चुका हूँ, नहीं गया तो गलत होगा। कुत्ते के पिल्ले को कुत्ते की तरह मारो। अरे नहीं कृष्णा। अरे भाई क्यों खामा खाओ उसे मार रहे हो? छोड़ो ना। ए कृष्णा हो गया यार। से मैं तीन ही सबक सीखता आया हूँ। पहला, जो हासिल करना है उसे छीन लो। दूसरा, कोई भी धुरंधर आए तो उसका सामना करो। और तीसरा, जो कोई अपने आड़े आता है उसे काट कर लुढ़का देना। तेरा भी वही हशर होगा साले। रोक दे साहब, अपना सारा नाटक रोक दे। कल से अगर तू इस कॉलेज के कैंपस में दिखाना तो पड़े रहने दो। किसी ने भी इसे छूने की कोशिश की तो उसे काट के रख दूंगा। आउट।
इससे पहले कभी ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट हुई है क्या? आई मीन मेंटल और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस? कृष्णा जब छोटा था तब एक घटना घटी थी। कृष्णा का एक छोटा भाई भी था, दोनों स्कूल जा रहे थे। इतनी बड़ी दुर्घटना कृष्णा की आंखों के सामने हुई। उसके बाद डॉक्टर साहब, कृष्णा कुछ महीनों के लिए मानसिक तनाव में आ गया था। मैंने उसका हर तरह का ट्रीटमेंट करवाया, भगवान की दया से वो बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद से उसे अब तक कोई तकलीफ नहीं हुई। बट पेशेंट का वर्ताव देखकर, उसकी बातचीत का ढंग, उसकी हरकतों को देख, मुझे तो यही लगता है कि इस कंडीशन की वजह वही एक्सीडेंट ही हो सकता है। मेडिकल लैंग्वेज में अगर कहूँ तो फ्लैशबैक फिनोमेना कहते हैं। दिमाग को जब भी शॉक लगता है तो मरीज ऐसी ही हरकतें करता है। तो क्या फिर इसका कोई इलाज नहीं है डॉक्टर साहब? देखो, जिसे दवाई से ठीक किया जा सके, ये ऐसी बीमारी नहीं है, मानसिक तनाव है, मेंटल एबनॉर्मलिटी। दोबारा कभी इसे इस तरह का दौरा न पड़ने पाए, इसका आप लोगों को ख्याल रखना होगा। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन, ओके? यही बहुत है कि उसकी जान बच गई। उन लोगों का सामना करने की ना तो हम में हिम्मत है और ना ही ताकत। मैं उसे अपने बच्चों के साथ लेकर नहीं जा सकता कुछ दिन तक। कृष्णा अगर वहां ना ही जाए तो उसके लिए अच्छा है। हाँ पिताजी, हम सब यही चाहते हैं कि कृष्णा आज के बाद कॉलेज कभी ना जाए। हमें यह समझ लेना चाहिए कि उसके नसीब में इतनी ही पढ़ाई लिखी थी। पिताजी आप कहेंगे तो भैया मान जाएंगे, उनसे कहिए ना कि वो दोबारा कॉलेज ना जाए। ए जी, बच्चे जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मेरी भी यही राय है। ये सही नहीं है, ऐसा नहीं कहूंगा। अगर हम ऐसा कहेंगे तो उसे दोबारा मानसिक आघात पहुंचेगा। बिना इलाज की बीमारी से उसे जिंदगी भर लड़ना पड़ सकता है। किसी भी तरह की मानसिक तकलीफ उसे नहीं पहुंचनी चाहिए, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। हम लोगों को ये बात नहीं भूलनी चाहिए। उसे पढ़ाई के नाम पर भेजकर खतरे में मत डालिए जी। उसे हमेशा हमारे साथ, हमारी आंखों के सामने रहने दीजिए। हाँ पिताजी, मम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं। भैया को रोक लीजिए ना पिताजी। ए जी, हमारा तो एक ही बेटा है जी। कृष्णा। हाँ पिताजी। कॉलेज से फोन आया था कि कृष्णा कॉलेज कब से आ रहा है। मैंने बोला कि पूछ के बताता हूं। घर वाले चाहते हैं कि अब तुम कॉलेज वापस मत जाओ। कृष्णा, तुम इस तरह जिंदगी भर दुखी रहो, मुझसे देखा नहीं जाएगा बेटा। कृष्णा, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है बेटा। तुम जैसा सोचते हो वैसा कुछ भी नहीं है। यह तुम्हारी जिंदगी है, इसे तुम्हें ही जीतना पड़ेगा।
और अपनी पढ़ाई करो। जिस किसी ने तुम्हारा ये हाल किया उसके सामने कुछ बन के दिखाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। डरो मत बेटा, भगवान तुम्हारे साथ है। जाओ। फिर से आ गया है? यहां दोबारा कभी नजर नहीं आना, ये बात तुझे पहले ही समझाई थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी तू वापस लौट कर आया है, मतलब शनि तुझ पे कितना भारी है ये सोच ले। जहां तक मैं जानता हूं पागलों को जंजीरों में बांध कर रखा जाता है। तू खुद मरने के लिए यहां पे आया या तेरे माँ बाप ने तुझे सड़क पे फेंक दिया? क्यों बे? मैं बताना बे। क्यों? अबे लड़कियों की तरह नीचे क्यों देख रहा है? तेरी तो कॉलेज लौट आया हूं तुम लोगों से लड़कर जंग जीतने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए। लगता है तुम्हें भी मुझसे बहुत प्यार है, मेरे घर वालों की तरह।
वो लोग डर के मारे मुझे कॉलेज आने के लिए रोक रहे थे और तू मुझे डराकर कॉलेज से जाने के लिए कह रहा है। मैं मंदिर में घंटा बजाकर मंत्र पढ़ते हुए आरती का थाल लेकर दक्षिणा का इंतजार करने वाला ब्राह्मण नहीं हूँ। संगीत सम्मेलन में सिर हिलाकर तालियों के गड़गड़ाहट में जोश में आकर मृदंग बजाने वाला ब्राह्मण भी नहीं हूँ। आज से तेरी मौत का मृदंग बजाने के लिए आया हुआ महाब्राह्मण। इस वक्त तेरे दिल की धड़कन मेरे जूतों के नीचे है, जोर से दबा दूंगा, धड़कनें रुक जाएंगी और तेरे प्राण उड़ जाएंगे, तेरी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। छोड़ दे सारी बुराइयों को, आज से छोड़ दे, वरना हम दोनों में से सिर्फ एक ही बचेगा और वो तू तो हरगिज नहीं होगा। सब 10 मिनट मैडम, तुम लोग सब बाहर चलो जाओ, हमें 10 मिनट का स्पेशल क्लास लेना है, उसके बाद तुम कंटिन्यू कर सकते हो। ए चलो निकलो रे बाहर, चलो निकलो, ए चल चल क्या कर रहे हो, निकलो चल निकल बाहर, निकल निकल चलो बाहर, निकलो चलो बाहर, निकल 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 निकल। ए भाई जी सम्राट की बेटी, चल निकल बाहर, चल निकल बाहर, सुनाई नहीं देता क्या, निकल चल। कृष्ण कुमार, इस पर हाथ छोड़ा तो क्या सोचा, हम सो जाएंगे कुछ करेंगे नहीं तुझे, हाँ इतनी हिम्मत तुझ में नहीं है और ऐसा करने वालों में से हम भी नहीं है। शाबाश, यही है सही मर्दानगी का सबूत, हाँ हमारे सामने तलवार, यही है असली पावर। तारीफ कर दी तो चने के पेड़ पर मत चढ़ जाना, पहले भी तुम्हारे जैसे न जाने कितने लोग आए हैं, बाद में पता भी नहीं चला कि कहाँ चले गए, अब तुम भी उन्हीं की लिस्ट में शामिल होने वाले हो, क्या समझे? क्या तमाशा हो रहा, कौन हो तुम सब लोग, निकले यहां से। ए सुधीर, इन सबको लेके फौरन बाहर जाओ। क्या है इस तरह घूर क्यों रहा है मुझे, बात समझ में नहीं आई क्या तुझे, इन लोगों को बाहर ले जा रहा है या तुझे टीसी पकड़ा दूं? सर इस कॉलेज का ये बेस्ट स्टूडेंट है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है इसका, 4 साल में सिर्फ 6 पुलिस केस हैं, 4 लड़कियों का केस और 8 बार मैं इसे सस्पेंड कर चुका हूं। कोई और अवार्ड हो तो इसे दिलवा देते हैं। सर आप हद से आगे बढ़ रहे हैं, ये सब यहाँ है इसलिए मैं खामोश हूँ। मैंने अब तक तुम्हारे बारे में सिर्फ 50% बताया है। भैया चलो चलो। All students come inside. Come in. Hey. सब लोग आ जाइए। या। Hey. भाई बुला रहे, सुनाई नहीं दे रहा क्या, चले जरा। उससे फ्रेंडशिप और ये बातचीत करना सब कुछ फौरन बंद कर दो, वरना तुम्हारा इस कॉलेज में आना और पढ़ना मैं सब कुछ बंद करवा दूंगा। ए तूफान, अरे जरा देख के चलो, नीचे मैं हूँ भाई, बेवजह में थप्पड़ मारता है, देख रही ना मैडम इनको कितने घटिया किस्म के लोग हैं। हमारे कॉलेज के तुम बेस्ट स्टूडेंट हो, तुम्हें देखता हूं तो मुझे प्यार और हमदर्दी आती है, इसीलिए मैं तुम्हें एक बार प्यार से समझा रहा हूं, यह जगह हर तरह के अच्छे कामों को रास्ता दिखाने वाली एक पवित्र जगह है और तुम्हारी दुश्मनी
इन गुंडों से हो गई है जो अभी अभी कॉलेज में आए थे। यू बी वेरी केयरफुल। सर मुझे यहीं पढ़ना है और यहीं जीना है सर, मैं चलता हूँ सर। मैं तुमसे सहमत हूँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सुधीर और उसके भाइयों ने मिलकर बहुत बड़ी भूल की है, लेकिन वो सब भूल जाओ, तुम दोनों अच्छे से रहो। मुझे लगता है हम लोगों को यहाँ नहीं बैठना चाहिए, हमें बाहर चलना चाहिए। ये दोनों है ना, ये फैसला इन्हें प्राइवेट में लेने दो, चुटकी बजाते ही ये प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाएगी, है ना बेटा? हम बाहर जाते हैं। डैडी क्या है? अंकल कोई भी मुझ पर हाथ उठाएगा तो मेरा भाई उसे छोड़ देगा, बताइए। बेटा इसमें सुधीर की क्या गलती है? कोई घर से जाने को बोले तो जाना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल सही, जाना ही पड़ेगा। वो प्रिंसिपल दावत देकर हमें जूता मारा है उसने। वो कॉलेज कैंपस में ये सारी चीजें कॉमन है, पुलिस केस ये सब चलता ही रहता है। मेरे दुश्मन बेकार में लड़कियों का केस मुझ पे डालकर मेरा नाम खराब करने की कोशिश करते हैं। राजनीति में तो ये सब चलता ही रहता है। हाँ। सच्चाई पूरी तरह जाने बिना दूसरों पर यकीन नहीं करना चाहिए। भाई, भाई तो मैं समझा रहा था इसे। तुम शिवराम जी के घर पर हूँ। कौन है सुधीर? वन मिनट, अंकल को देता हूँ। गिरी कहाँ? गिरी एसपी, तेरी लड़की के आशिक को सबक सिखाने का ही मौका है, वो यहीं पर है। चमका दो क्या? मेरी बात सुनो, तुम जलती हुई आग में घी डालने का काम कर रहे हो। मेरी बेटी मुझसे पहले ही दूर जा चुकी है, तुम्हारी वजह से अगर उसकी जान को कुछ हो गया और उसे पता चल गया तो सारा मामला बिगड़ जाएगा, समझ रहे हो ना? तो मेहरबानी करके जब तक मैं कुछ ना कहूँ तब तक तुम शांति बनाए रखो। मुझे भी उसे इस दुनिया से बाहर भेजना है, लेकिन सही समय देखना। ठीक है छोड़, जब मारना है बता देना। कृष्ण कब से फोन खराब पड़ा है, रिपेयरिंग कराने के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। अरे गोविंद तू कब आया? दोपहर में आया था। श्रीदेवी किधर है? क्यों बेटा तुम्हारे घर का फोन नहीं लग रहा है, ये सोचकर कृष्णा कितना टेंशन में है। मैं तुमसे आकर मिला था, ये बात उसे पता चलेगी तो वो कितना खुश होगा पता है तुम्हें? वो तो इससे मिलने के लिए कॉलेज छोड़कर आ जाएगा। फोन रिपेयरिंग करने के लिए मैं कब से कह रही हूँ, लेकिन मेरी बात पर कोई ध्यान ही नहीं देता। क्यों, राम ने आकर रिपेयर नहीं किया क्या? ठीक है मैं खुद उसे लेकर आता हूँ। नहीं रहने दो, कल मैं खुद जाकर उसे ले आऊंगा। कल वाल कुछ नहीं, अभी करवा दीजिए, मुझे अभी कृष्णा को फोन करना है। अरे रे रे रे, इतनी छोटी सी बात के लिए गुस्सा क्यों हो रही हो? इतना ही ना, तुम्हें फोन चालू चाहिए ना, मैं घर का फोन भिजवा देता हूँ, ठीक है ना? भिजवाता हूँ। क्या बात है, सब लोग खामोश क्यों हैं? लगता है कुछ छिपा रहे हो तुम लोग। ऐसा कुछ नहीं है, और रोज की है इसके परिवार के लफड़े की कहानी। क्या बात है गोविंद, तेरी घरवाली अभी तक नहीं आई क्या? एक दो दिन में आने वाली है, उससे बात करके मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। बहुत खुशी की बात है। अच्छा चलता हूँ बेटा। हाँ। अभी फोन भिजवाता हूँ। ओके ओके, चलता हूँ श्रीनिवास। ए रुक जा, उससे बात नहीं करेगी तो आसमान नहीं टूट के गिर जाएगा, वो तेरा पति नहीं है समझी? क्या भाई तुम भी वक्त से पहले प्लान करके आपस में दुश्मनी का रास्ता खोल दिया, कितनी बार समझाते हो ऐसा मत करो, भूल गए क्या? क्या हुआ, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? ए तू बड़ों के बीच में टांग मत आ, चुपचाप अंदर जा। चल जा अंदर। नमस्ते मास्टर जी। हाँ। कृष्णा की तबीयत कैसी है मास्टर जी? उसे क्या हुआ, वो तो एकदम ठीक है। अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूँ मास्टर जी। ठीक है महाराज। क्या हुआ गणेश, क्या बात है, रो क्यों रहा है तू? अरे क्या हुआ बताना मुझे। श्रीदेवी। हाँ श्रीदेवी, तो क्या हुआ उसे? श्रीदेवी का रिश्ता वो लोग दूसरी जगह है। ये क्या बकवास कर रहा है तू, मैं तो अभी उनके घर से। लेकिन ये बात तुझे कैसे पता चली? वो जिनके पास कुंडली लेकर गए थे ना, वहीं से पता चला, उसी गांव का लड़का है। कृष्णा का फोन है, इधर दे।
हाँ कृष्णा, मैं हूँ। नहीं, कह रहे थे कल तक फोन ठीक हो जाएगा, तू फिक्र मत करना। नहीं नहीं नहीं, तुझे आने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ ना, मैं सब देख लूंगा। वैसे तुझसे एक खास बात करनी थी, मैं वहीं आ जाऊंगा, ठीक है? सही बेटू, उधर देख, कोई नया पीस आया है। गुरु, ये तो कोई कॉलेज की स्टूडेंट नहीं लग रही है ना? पढ़ाने के लिए भी नहीं आई है। फिर किस लिए आई होगी यार? जा उसे बुला के ले गया, हमें भी तो एक मौका मिले। चुप, अभी दिखाता हूँ मैं अपना टैलेंट। हाय, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? वैसे इलेक्ट्रॉनिक क्लास कहाँ पर है? उधर आपको किससे मिलना है? कृष्णा, कृष्णा कुमार तीर्थ गांव से आया है। सुधीर, ये तो कृष्ण कुमार को ढूंढ रही है। तुम जानते हो उसे? बस 5 मिनट पहले वो यहीं पर तो था, किसी लड़के ने उसे टाइम दिया होगा तो उसके पीछे चला गया होगा। बहुत ही नीच लड़का है वो। प्लीज बता सकते हैं वो कहाँ गया होगा? मैं वहीं चली जाऊंगी। छे, आप वैसी जगहों पर क्यों जाओगी? बाय द वे, आप उससे प्यार करती है क्या? ये क्यों पूछ रहा है, ये तो इसकी आंखों से पता चल रहा है। अगर तुम उससे प्यार करती हो तो उसे भूल जाने में ही भलाई है, क्योंकि कुछ ही दिन में उसकी मौत आने वाली है। मैं जल्द से जल्द उसका काम तमाम करूंगा। ये असली आंसू है या फिर मगरमच्छ के? चाहे जैसे भी हो, पहुंच देते। श्रीदेवी, तुम यहाँ क्यों आई हो? कल से मैं कृष्णा को फोन कर रही हूँ, वो रिसीव ही नहीं कर रहा, इसलिए मैं खुद यहाँ चली आई। वो अपनी बहन के यहाँ गया है, अभी तक नहीं लौटा। अच्छा सुनो, तुम इसे वहीं पर ले जाओ। हाँ। आइए आइए आइए। मास्टर जी, मेरी भतीजी अंदर है क्या? हाँ अंदर ही, आइए। अंदर आने के लिए टाइम नहीं हमारे पास, उसे बाहर भेज दो, उसकी शादी तय हो चुकी है। अब ये बात उसके ससुराल वालों तक पहुँचे उससे पहले हम उसे घर ले जाना चाहते हैं। तुम तो कम से कम समझ सकते हो, कैसे मास्टर हो तुम? किससे बात कर रहे हो आप? आपको अंदाजा भी है क्या? पूरा अंदाजा है, इसलिए मैं सिर्फ मुंह से बात कर रहा हूँ। अगर नहीं होता तो फिर? नहीं होता तो क्या कर लेते? तू चुप रह, मैं बात करता हूँ। करता हूँ ना। जरा अकल सिखाओ अपने बेटे को। मैं सिखा दूंगा, आप जरा चुप रहेंगे? कृष्णा शांत रह बेटा, पहले ही ये आधा पागल है, दर पर खून चढ़ गया तो कुछ भी कर देगा समझे? मेरे प्यारे भाई, श्रीदेवी और कृष्णा की शादी होगी ये बात हम लोग बचपन में ही तय कर चुके हैं, फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हम लोगों को तो अब बस इनको आशीर्वाद देना चाहिए कि इनकी जिंदगी में हमेशा खुशी रहे। छोटी सी बात को लेकर इन दोनों बच्चों को अलग करने का ख्याल आपके मन में कैसे आ गया? मास्टर जी, तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानते हो, मेहता जी रामाचार्य जी का लड़का सिंगापुर से आया और उसने एक बहुत ही अच्छी लड़की से शादी की थी, उसके बावजूद क्या हुआ? ठीक 21 दिन के बाद वो लड़की नदी में डूब के मर गई, ये बात याद है ना तुम्हें? तुम चुप रहो यार, दिमाग खराब मत करो। मैं दिमाग खराब नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। उदाहरण तेरा सर, तेरी कोई बात नहीं सुननी है मुझे। लेकिन हमें सुनना पड़ सकता है, ये हमारे घर की बच्ची की जिंदगी का सवाल है। उस दिन कृष्णा के बारे में डॉक्टर ने क्या कहा था आपको याद है ना? ये एक पागल है और इस जन्म में तो कभी ठीक नहीं हो सकता, ये डॉक्टर ने कहा था ना, याद है? दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, अगर मेरी जगह होते तो तुम क्या करते बताओ? ये मेरी बच्ची की जिंदगी का सवाल है। कृष्णा, माना कि हमने तुमसे डॉक्टर की बात छुपाई, अब इसके बारे में सोचकर तुम अपनी सेहत खराब मत करो। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक ना हो कृष्णा, डॉक्टर ने कहा है कि ये बीमारी ठीक हो सकती है, इतनी छोटी सी बात को लेकर तुम।
हमने तुम्हें या श्री को अलग करने के लिए कभी नहीं सोचा। परिस्थितियां ऐसी थी कृष्णा, पैसा, लड़की और फल कभी एक जगह नहीं ठहरते। हर किसी की अपनी किस्मत होती है, जरूरी नहीं जो चाहो वो मिल भी जाए। ए मास्टर, श्रीदेवी को जल्दी से बाहर भेजो, अपनी बेइज्जती से पहले मैं उसे घर ले जाऊंगा। इस संसार में प्यार नसीब वालों को ही मिलता है, जीवन साथी बनना उससे भी बड़ी किस्मत होती है। हम दोनों की किस्मत में सिर्फ प्यार ही लिखा था श्री। तुम कुछ मत कहो, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। श्री, मैं तुम्हारा हाथ थामे बिना तुम्हें अपने साथ यहाँ कैसे रख सकता हूँ? मेरा आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं मैं पागल हूं, पता नहीं तुम क्यों अपनी जिंदगी मेरे पीछे तबाह करने पे तुली हो। तुम्हारे मां बाप भी तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में नहीं देना चाहते, उनकी मर्जी चाहे वहीं अपनी जिंदगी बिताओ। कृष्णा, श्री, जिंदगी में हम लोग सैकड़ों सपने देखते हैं, उन सपनों में प्यार भी एक है, पूरा सपना समझकर भूल जाओ। कैसी बेशर्म है तू, अब तक यहीं बैठी है? चाचा मुझे छोड़ दो, जिद मत करो बेटा, हमारे साथ चलो। मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे तेरा बाप छोड़ दे। चल 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 अंदर चल। कृष्णा, मुझे यहीं रहना है। अगर श्री और मुझे अलग होना पड़ा तो हम दोनों की आंखों से जितना आंसू बहेगा उसका हिसाब तुझे चुकाना पड़ेगा। इससे शादी करने वाला ये डिंडोरा पूरे कॉलेज में पीटता फिर रहा है ना। तुम दोनों की अब शादी कैसे होती है मैं भी ये देखूं। जब सर से ऊपर चला जाता है तो बचने के लिए रास्ता ढूंढना पड़ता है। देख क्या रहे हो, इनके पैरों पे गिर के परमिशन मांगो तभी तेरी शादी हो सकती है, समझा? किस तरह का मर्द है तू, अपने आप पे शर्म नहीं आती तुझे? भाई आप इस पर क्यों बरस रहे हैं? मैं तो उसे उसी दिन खत्म करने वाला था, इसी ने मुझे रोक दिया था। देखो गिरी, खून करना बहुत आसान है, हमारे डिपार्टमेंट में ही एक क्वार्टर लेके खून करते हुए मैंने बहुतों को देखा है। ये रास्ता रहने दो, इस बार जो कदम उठा रहे हो सही है। मेरी बेटी बता रही थी कृष्ण कुमार की जिंदगी इसकी वजह से बर्बाद हुई है, मैं उसके और आपके बीच गेहूं में घुन की तरह पिस रहा हूं साहब। शिवराम, आर या पार आज फैसला हो ही जाना चाहिए, मैं 4 साल तक इंतजार नहीं कर सकता। तब से पहले उसे शादी करनी है या नहीं ये बात जाननी है, अगर वो हाँ करती है तो आने वाले गुरुवार को ये शुभ काम कर देते हैं। लेकिन किसी भी हालत में उसकी शादी इसके साथ करवानी है, शादी होने के बाद ये कहानी यहीं की यहीं खत्म हो जाएगी। भैया, खत्म का मतलब क्या? भैया मतलब मर्जी से शादी करने का ख्याल तो छोड़ दे छोटे,
उसे उठाकर लाते हैं और गले में मंगलसूत्र डालकर हाथों में चूड़ियां पहना देते हैं। तू क्या कहता है? आप जैसा ठीक समझे मैं तैयार हूं। धन्यवाद। तुम्हारा क्या इरादा है एसीपी? वो मैं... ना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सब आई है। तो हमेशा अपनी जिद चलाती है, तू तो बचपन से ही ऐसी है, सिर्फ मंगनी ही तो करनी थी, हाँ कर देती तो क्या जाता। इतना सब कुछ जानने के बाद भी आप लोग अपनी जिद पर तुले हुए हैं। मेरी और मेरी जिंदगी की कोई फिक्र नहीं आपको, आप दोनों की खुशी के बारे में सोचकर मैंने हाँ कर दी थी। यहाँ कौन सही और कौन गलत कुछ समझ में नहीं आता। सुहाना मम्मी, जब एक लड़की किसी लड़के को अपने जीवन साथी के रूप में पसंद करती है तो उसमें कम से कम कुछ तो क्वालिटीज होनी चाहिए। सुधीर में ऐसी कोई बात नहीं है डैडी, उसकी वजह से कितनी सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। डैडी, कृष्णा को भी उसी ने बर्बाद किया है, शादी के बाद मेरा क्या हाल होगा किसे पता। डैडी, उन लोगों से बात करने की आप में हिम्मत नहीं है, पर मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद ही मना कर दूंगी। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम उन लोगों से कुछ नहीं कहोगे, इज दैट क्लियर? आपने उन लोगों से रिश्ता जोड़ा है अपनी खुशी के लिए, आपको उनसे रिश्वत मिलती रहे इसके लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने वाली। डैडी, क्या कहा तूने? क्या कहा? तुझे अगर इस घर में रहना है तो मेरी हर बात माननी होगी, नहीं तो इस घर से तेरा नाता खत्म, चल जा। सुहाना? हाँ सुहाना। मेरी एक सहेली मुंबई में रहती है, वो और मैं पहले बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मैं वहीं जा रही हूँ, जाने से पहले तुमसे एक बार मिलना चाहती थी इसीलिए फोन किया था। कॉलेज में हुई हमारी वो पहली मुलाकात मुझे हमेशा याद रहेगी। जाने अनजाने में जो कुछ भी हुआ है उस सब की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, आई एम सॉरी। ट्रेन कितने बजे की है? 12:30 की है। सुहाना कृष्णा एक मिनट सुनो जरा। हाँ मैं भी आता हूँ। हाँ। देखो सुहाना बहुत अच्छी लड़की है, उसे घर छोड़कर जाने का इल्जाम अपने सिर पर मत लो। कोई भी कभी भी किसी को भी चैलेंज कर सकता है, उसके ऊपर गुस्सा कर सकता है, लेकिन किसी की भी जिंदगी से खेलना अच्छा नहीं है। तुम उस सुधीर को चैलेंज करके इसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? वैसे भी 4 साल के बाद इन दोनों की शादी हो जाएगी मुमकिन नहीं है, इसीलिए वो लोग इसकी शादी गुरुवार को ही कर रहे हैं, तभी तो ये घर छोड़कर जा रही है। प्लीज यार, उसके जाने से पहले कुछ ना कुछ करो प्लीज यार। सुहाना आओ चले। कहाँ? जिंदगी हार कर भागने के लिए नहीं होती, तुम्हें अपनी ये जंग जीतनी ही होगी। और तुम्हारा झगड़ा तो तुम्हारे माँ बाप से है ना, 2-4 दिन में वो तुम्हें ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए तुम्हें यहीं रहना चाहिए। तुम मेरे साथ चलो। मनोज हाँ? चाबी दो। नई गाड़ी है यार, संभाल के। आओ। अरे तू भी ना यार। सुधीर जरा उधर तो देख, ये अपने यार के साथ जा रही है, ये कमीना हमारे साथ गेम खेल रहा है। चलाया।
वाले को मैं। हॉस्टल में रह रही हूँ, फिर मिलते हैं, बाय बाय। ₹1000 एडवांस जमा करना होगा। सुहाना, तुम्हारा लगेज मैं अपने दोस्त के यहाँ से भिजवा दूंगा, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे एक कॉल कर लेना। तू अच्छी तरह से जानता है, चल बता कहाँ है वो। भगवान कसम मुझे नहीं पता, कल से वो मुझसे मिला भी नहीं। उसकी जगह तू अपनी जान गंवा देगा। उसे पहले बताओ उसकी बहन का घर का पता। वो पता नंबर 36 विजयनगर 4th क्रॉस रोड। भाई को फोन लगा। जाओ उसकी बहन और चीजा को लेकर आओ।
डॉक्टर साहब हमारा भाई कैसा है? डोंट वरी, घबराइए मत, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। किसी तरह उन्हें बचा लीजिए डॉक्टर। हाँ आज जल्दी आओ, फिक्र मत करो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जिसका डर था वही बाप उसे भी छोड़ मत। भाई की हालत कैसी है? एसीपी शिवराम का फोन आया था, मुझे अभी अभी पता चला, मैं उसे। उस तरफ तेरे दिन आज पूरे हो गए, समझ ले बेटा। वो मर गया तो समझो मर्डर, और अगर बच गया तो समझो अटेम्प्ट टू मर्डर। अनफॉर्चुनेटली दोबारा इस जगह पे जिंदा लौटाओगे उसकी कोई उम्मीद नहीं। आई एम सॉरी। तुम्हें कुछ होने से पहले हम दोनों का मकसद एक है, इसलिए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें कदम उठाना होगा। चलिए। हेलो गिरी। हेलो शिवराज। उसे इतना मारो कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, ऐसी जगह ले जाओ उसे, उसकी लाश का किसी को पता ना चले, लाश का ठिकाने लगा देना, पैसा जितना चाहो मिलेगा। देखो गिरी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसे मैं संभाल लूंगा, तुम फिलहाल अपने भाई पर ध्यान दो। ओके ओके ठीक है, काम होने के बाद फोन करना मुझे। जय हिंद सर। इंस्पेक्टर कहाँ है? राउंड पे गए हैं सर। सर। अच्छा सुनो, FIR करने की जरूरत नहीं है। हाँ फिलहाल मुझे जरा अपना काम कर लेने दो। हाँ जी सर। तुम लोग जरा बाहर जाओ। ओके सर। उसके बाद हम एक ग्रैंड पार्टी रखेंगे। ठीक है सर। बहुत दिनों से मेरे हाथ पांव में खुजली हो रही है, आज खीर के साथ इडली और सांभर एक साथ खिलाना पड़ेगा। क्या रहे हो, मारो इसको। तुम्हें अत्मरा करके दूसरी जगह शिफ्ट करके खत्म करने का प्रोग्राम है गुरु।
ये पागल है साहब, इसको हॉस्पिटल पहुंचाइए, वरना आप लोगों का राम नाम सत्य करके पिंडदान करवा देगा। क्यों अपनी चिता तैयार करवा रहे हैं साहब? कोई मुझे बचाओ, बचाओ कोई मुझे। आज साहब की जान बच गई है, वरना पिंडदान हो जाता। हाँ बोलो, क्या हुआ ऐसे पे? अरे यार, तुम जो कह रहे हो सही है, लेकिन मैं क्या करूं, ये सच में बहुत बड़ा पागल है, इसे संभालना किसी एक के बस की बात नहीं है। मैं उसे मेंटल हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। क्या कहा? हॉस्पिटल ले जा रहे हैं उसे ट्रीटमेंट देने के लिए? ए ज़िबिक, कहीं तो पागल तो नहीं हो गया? अरे यार फिक्र मत करो, तुमने तुमने जैसा सोचा है ना, सारा काम मैं उसी तरीके से पूरा करूंगा, ठीक है? मैं इस वक्त व्हाइट फील्ड के पास हूँ, मेरे जीजा के दोस्त के घर में। तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है, इसलिए फोन किया। इस वक्त मैं अकेला ही उनका दुश्मन नहीं हूँ, तुम भी हो। तुम्हारे लिए सबसे सेफ जगह तुम्हारा घर है, भगवान के लिए तुम किसी भी तरह से वहाँ से निकलो। नहीं कृष्णा, वो लोग मुझे बातों में वक्त बर्बाद मत करो सुहाना, जल्दी से निकलो। कोई इमरजेंसी हो तो मुझे तुरंत कॉल करना। कृष्णा समझता है वो हमें, हम उसे पागल दिख रहे हैं क्या? ए, ए, कहाँ है? कहाँ है वो? ए, एसपी! ए, कहाँ है वो? तूने उसे भगा दिया ना? मर्दान की सिर्फ हम जैसे मर्दों के पास होती है, तुम जैसे नामर्द तो सिर्फ बीवी की चूड़ियां पहन के बैठे। ए, जबान को लगाम दे के बात कर। तो क्या कर लेगा, क्या कर लेगा तू? जब जब तूने जो भी मांगा हम फेंकते रहे, फिर भी तूने धोखा दिया, और फिर तूने उस कमीने को हॉस्पिटल ले जाने के बहाने भगा दिया। वो किधर है? तेरी बेटी, इसकी होने वाली बीवी, उसे भी भगा दिया क्या? हमारी फैमिली के साथ रिश्ता जोड़ने का जो सपना देखा था ना, वो आज ही खत्म हो गया समझ लो। ये मत सोचना कि अब तेरी बेटी तुझे जिंदा मिलेगी,
उससे सूद समेत अपना हिसाब वसूल करूंगा। ए, चल छोड़े। क्या हुआ देख लिया ना, बेटी से ज्यादा वो लोग प्यारे थे ना, उसे घर से भागने के लिए तुमने मजबूर किया, ये सब तुम्हारी करने का फल है, अब भुगतो। वो हॉस्टल में रहती है, उसकी सहेली का फोन आया था, तुम उसे लेने जाओगे तो वो घर जरूर आएगी। हेलो सुहाना सर, क्या हुआ उसे? कुछ लोग आकर उसे जबरदस्ती यहाँ से उठा कर ले गए। सर मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, उन सबके हाथों में हथियार थे सर, मुझे भी मारा, उसे भी ले गए। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। सर कृष्णा बात कीजिए सर। कृष्णा कहाँ? हेलो हेलो कृष्णा, हेलो। हाँ डॉक्टर, किस लिए? ठीक है, क्या हुआ भैया? भैया की हालत बहुत क्रिटिकल है, मुझे जाना होगा, लेकिन इसे किसी भी हालत में मत छोड़ना। जिसने तेरी इज्जत उछाली है तो इसकी इज्जत उछाल। छड़ी बन गया। डॉक्टर साहब मेरा भाई कहाँ है? वो आपके भाई साहब एम्बुलेंस में है क्या? भाई 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 भाई, भाई, भाई। गाड़ी रखो, गाड़ी रखो, भाई क्या करो? बहुत सारी उम्मीदें थी, वो सारी उम्मीदें मैं सूद समेत वसूल कर लूंगा। अब तुम खुद अपने कपड़े उतारोगी या फिर मैं जबरदस्ती तुम्हें नंगा करूं, डिसाइड कर लो। हेलो, तूने अगर उसे कुछ भी किया ना, चिता तैयार करके रखा हूँ तुम दोनों की, उसमें जिंदा निकालकर जला दूंगा। इतने की औलाद बताओ उसे। सुधीर उसे कुछ मत करना, उसे छोड़ दे, नहीं तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, उसे कुछ मत करना। ए, अब नेक्स्ट तू है, आ रहा हूँ मैं। आजा।
कमीने, आजा। कॉलेज कैंपस के अलावा एक और अजीब सी दुनिया है जो तूने कभी देखी नहीं थी। वही पैदा होकर पला बड़ा हूं मैं। तू सच में एक अजीब सा पागल है। बार बार तू मुझे ढूंढते हुए आ ही जाता है, और आज मुझे यही लग रहा है यही मेरी और तेरी आखिरी मुलाकात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं तू मुझे मारना चाहता है ना, तेरा वही अहंकार मुझसे बुलवा रहा है। तेरी अपनी ही मौत यहाँ पर तुझे खींच कर लाई है। इस बिल्डिंग के नीचे ही तेरी बलि चढ़ाऊंगा मैं। आ! इसे बहुत मारो, लेकिन ये मरे नहीं। इसे मरने से पहले मुझे इससे बहुत से कर्ज चुकाने हैं।
कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम सब लोगों ने मुझे पागल का ताज पहनाया है ना? अब अगर तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे तो जिंदा रहोगे। आज मैं तुझे जीने का एक आखिरी मौका देता हूँ। जिंदा रहना है तो गुंडागर्दी छोड़ दे कमीने। तेरी दी हुई जिंदगी मुझे भीख में नहीं चाहिए। Wanna, baby. Looking to the side, baby. You drive me crazy.